हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुरुजीत व्लॉग्स एंड पैनल इंपीरियल 400 के बारे में एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए। जो भी प्लान कर रहे थे उसको बाय करने का, तो प्राइस जो है थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। पहले 1.69 लाख जो था वो ऑन रोड प्राइस था, एंड अभी जो है 1.79 लाख जो है प्राइस हो गया है, जो कि सिल्वर का है। एंड जो रेड एंड ब्लैक कलर है वो थोड़ा 10,000 और कॉस्टली मिलने वाले हैं, 1.89 लाख। इस जो प्राइस बता रहा हूँ आपको वो एक्स शोरूम प्राइस है। अगर बात करें बैनले की, तो जो भी बैनले इंपीरियल 400 लेने के प्लान कर रहे थे दोस्तों, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, इंजन फॉर्मेट बहुत अच्छा है, इंजन पावर बहुत अच्छा है। इवन फीचर्स जो दिए हुए हैं वो रेट्रो बाइक में जितने फीचर होने चाहिए ना, वो सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। बैनले का अच्छा नाम है मार्केट में, बट एक चीज़ थोड़ा सा गलत कर रही है इंडियन मार्केट में यार, प्राइसिंग को लेके थोड़ा सा लोगों का मेंटेलिटी होता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी, जैसे मुझे जो ब्लैक कलर पसंद है वो 1.89 लाख था, अगर उसमें अगर 25,000 से 30,000 रुपये ऐड कर लूँ, जो कि ऑब्वियसली होने वाला रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस और बाकी सब एसेसरीज वैसेज जो भी होते हैं, AMC सब कुछ अगर ऐड करूँगा 30,000 के आसपास हो जाएगा। तो कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट 210-220 क्रॉस कर जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं 2 लाख की गाड़ी, वो 2 लाख से ऊपर की गाड़ी बैनले बना रही है स्टार्टिंग में। तो अगेन वही जो हम सोच रहे थे कि कॉस्ट जो है कम होगा बैनले का, एंड वो बैनले ने ऐसा कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं किया 2020 के BS6 मॉडल में कि कॉस्ट जो है इतना ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज हो, बट फिर भी जो कॉस्ट है वो 10,000 से प्लस जो है वो इंक्रीज हो रहा है बैनले में। अगर सिंपल अगर जो लोगों को जानना है, तो SOHC 4-स्ट्रोक इंजन इसके अंदर आ रहा है, एयर कूल, एंड जो पावर प्रोड्यूसर है 20 BHP का है 5,500 RPM पे, और 29 NM का है 4,500 RPM पे। तो BS6 को मैच कर रहा है, थोड़ा जो कैटलिक कन्वर्टर है उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया गया है ताकि साउंड और पोल्यूशन इन सब को कंट्रोल किया जा सके। ऑब्वियसली बैनले जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड है। एंड एक चीज़ जो है वो टैंक जो है ना, तो छोटा दिया हुआ है 12 लीटर्स का, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, बिकॉज अगर क्रूजिंग सेगमेंट में जा रहे हैं तो टैंक साइज़ जो होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए। एंड व्हील साइज इज़ गुड, जो रेयर का व्हील है 130x आपको 80 का मिल रहा है, जो कि अच्छा दिया हुआ है ब्रॉड पीछे से, एंड फ्रंट भी ब्रॉड है 100 का दे रहे हैं। नॉर्मल जो आपको गाड़ी में देखने को मिलता है वो 80 या 90 के आसपास देखने को मिलता है, इसका ऑब्वियसली अच्छा है। तो ओवरऑल गाड़ी का वेट, गाड़ी भी भारी है, दो 205 किलो की गाड़ी है जब आप फुल टैंक के साथ करते हैं। सिटिंग हाइट जो है वो भी एकदम मीडियम साइज रखा है, अगर 5.4 या 5.5 का भी बंदा होगा ना वो इजीली इस गाड़ी को चला जाएगा, बिकॉज सिटिंग हाइट जो है वो 780 mm का है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस जो 165 का, मतलब गाड़ी में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखी हुई है। बस कुछ छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं जो रॉयल एनफील्ड ने भी नहीं ध्यान दिए हैं, वो ध्यान देने चाहिए थे बैनले को, मिस्टेक से ही सीखना बनता है सबका। तो दोस्तों आई होप आपको ये अपडेट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से बाय कर लीजिए, बिकॉज जो फ्यूचर कॉस्ट है ना वो इंक्रीज साइड ही जाने वाला है बैनले का। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप मेजर सिटीज़ में हैं, बड़ी सिटीज़ में हैं, तो ही बाय करिएगा, क्योंकि इसके शोरूम जो हैं ऑल ओवर इंडिया आपको नहीं मिलेंगे, और सिर्फ मेजर सिटीज़ में ऑलमोस्ट इसके जो 60-70 शोरूम्स ही हैं इंडिया में, तो उस तरह से ही बाय करके करेगा, क्योंकि सर्विस साइड जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए गुरुजीत ब्लॉग्स।